थर्ड क्लास स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर आपके एक नंबर चैप्टर प्रचार और सेवन चैप्टर रिफ्लेक्शन चैप्टर डेन फ्रैक्शन ओके फ्रैक्शन स्टार्ट कर लिखा था और एक्सेल सेवन फाइव ये वन ये सेवन फाइव हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोर नंबर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा था ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द वर्ल्ड, आपको फ्रैक्शन गिवन है और उसको वर्ड के अंदर अपन को क्या करना है, नोट करना। ओके, तो फ्रैक्शन गिवन है उसको किसके अंदर, वर्ड के अंदर अपन को नोट करना है। ओके, लैंग्वेज के अंदर अपन को नॉट करना होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करते हैं। राइट राइट इज राइट इज ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉलोइंग फॉलोइंग फ्रैक्शन 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 इन वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट ये दे देगा आपको वन अपॉन टू, क्या दे देगा, वन अपॉन टू और उसको अपन को वर्ल्ड के अंदर नोट करना है। तो क्या करेंगे, वन हाफ, ये कितना हो रहा है, वन हाफ, इनको नोट कर देना, वन हाफ नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी, नोट कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट है बी, बी के अंदर दे देगा आपको टू अपॉन थ्री, क्या दे देगा, टू अपॉन थ्री। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हम लोग नोट करेंगे, टू थर्ड टू थर्ड, क्या नॉट करेंगे, टू टू थर्ड। टू थर्ड ओके नॉट कीजिए। फिर नेक्स्ट सी, टू थर्ड के बाद में नेक्स्ट है सी, सी का बराबर नंबर दे देंगे वन अपॉन सेवन, सी के अंदर दे देंगे वन अपॉन सेवन, इनको वन लैंग्वेज के अंदर नोट करेंगे, वन सेवन वन सेवन। ओके, नोट कीजिए वन सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डी, ए बी सी आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डी, डी के अंदर आपको नंबर दे देते हैं टू अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव यानी टू फिफ्थ, टू फिफ्थ टू फिफ्थ। नेक्स्ट है आपके ई, ई के अंदर नंबर दे देंगे फाइव अपॉन सिक्स, फाइव अपॉन सिक्स। ओके, तो इनको अपन नॉट करेंगे फाइव सिक्स। ओके, नॉट कीजिए, ये सब कंप्लीट। फिर नेक्स्ट अपन करते हैं एफ जी एस,
नेक्स्ट आपने ऐड एस के अंदर दे रखा है 11 upon 12 इसका हो जाएगा 11 12 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एच क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5 विच सर्किल इज 2/3 सेकंड ओके इन सर्किल 2/3 ओके तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट सर्किल बनने वाला ये सेकंड सर्किल बना ओके ऐसी टाइप है जबकि इसका भी बहुत पार्ट है दोनों सर्किलों के बहुत बहुत पार्ट है ये आपके सर्किल इसका नया जैसे सर्किल सर्किल बी ओके सर्किल ई के अंदर आपके टू पार्ट पर बस कलरफुल है यानी लाइनिंग करने के अंदर टू पार्ट के अंदर और सेकेंड सर्किल बी के अंदर आपके थ्री पार्ट लाइनिंग है यानी इसमें थ्री पार्ट दे देंगे तो आप नहीं होंगे थ्री थ्री पार्ट साइन से इस टाइप से इसमें बना दिए ओके और इसमें आप क्या कर सकते हैं ये टू पार्ट आपको क्या कर सकते हैं लाइनिंग
कौन ये ब्रैकेट 2 अपॉन 3 है जो कांस्टेंट सर्किल के अंदर सुटेबल है, तो इसके अंदर अपॉन के अंदर कितना आ रहा 3 यानी टोटल सर्किल के पार्ट इक्वल कितना में है 3, तो बस ये है 1 2 3 4 तो ये तो आपके नहीं होगा क्योंकि इसके टोटल पार्ट कितने हैं 4 है, तो आपका कौन सा रहेगा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके डी नंबर ऑप्शन के 2 पार्ट मतलब बोले और 3 टोटल पार्ट यानी 2 अपॉन 3 नॉट कीजिए। ये आपके एक्सरसाइज हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 7B, उसका एक आपको कुछ कॉमन बेसिक है वो समझ लेते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर इसे डिस्कस करेंगे। ओके बेसिक पार्ट है वो समझ लेते हैं नोट कर लेते हैं। ओके निनोमीटर निनोमीटर एंड डिनोमीटर क्या चीज होते हैं जिनके बारे में अपन नोट करता है। डिनोमीटर निनोमीटर एंड डिनोमीटर ओके एग्जांपल लेते हैं कोई भी अपन फ्रैक्शन का जैसे 5/7 क्या देगा 5/7 तो ये 5 क्या हो जाएगा निनोमीटर फाइव क्या चलन है डिनोमीटर एंड चलन क्या हो जाएगा यहाँ पे डिनोमीटर क्या हो जाएगा डिनोमीटर। ओके तो ये लाइन आती है इस लाइन को क्या कहते हैं फ्रैक्शन बार क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बार फ्रैक्शन बार। ओके एग्जाम्पल बोल डॉट कीजिए कि डिनोमीटर क्या है एंड डिनोमीटर क्या है और इसको इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं डिनोमीटर क्या होते हैं नंबर ऑफ पार नंबर ऑफ पार टेकन और डिनोमीटर क्या होते हैं टोटल टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ पार टोटल नंबर ऑफ पार द बॉल नंबर बॉल नंबर। ओके नोट कीजिए कंप्लीट। जैसे आप नेक्स्ट अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं जैसे ये तो आपको नोट करने हैं और एग्जाम्पल लेने हैं कर सकते हैं। जैसे मैंने नोट कर दिया 2/3 तो 2 तो क्या हो जाएगा डिनोमीटर और अपॉन के अंदर क्या है 3 क्या हो जाएगा डिनोमीटर। और एग्जांपल लेते हैं 11/13 ओके 11 से क्या हो जाएगा डिनोमीटर एंड अपॉन के अंदर क्या है 13 तो 13 क्या हो जाएगा डिनोमीटर। ओके ये होते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे। ओके ये नोट कीजिए आप कंप्लीट।